डॉक्टर बच्चों को कब से डराना चाहिए? जैसे खाना खा लो नहीं तो डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा देंगे, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, जिद मत करो नहीं तो मारूंगी, स्कूल के लिए जल्दी उठ जाओ नहीं तो फिर मैं लेने नहीं आऊंगी, मैं चली जाऊंगी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, ये कभी नहीं करना चाहिए। मेरे बेबी को रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए। अगर वो जिद करता है, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता है तो कोई रीजन के कारण करता है। सो अगर आप मेरे बेबी को डराते ही रहेंगे तो फ्यूचर में उसे इश्यूज हो सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप हमेशा उसे टोकते रहते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। दूसरा इनसिक्योरिटीज, इमोशनल इनसिक्योरिटीज, वो इमोशनली स्ट्रांग बनी नहीं पाएगा। तीसरा सेपरेशनल एंजाइटी, इसका मतलब क्या कि जैसे वो बहुत जिद करता है या बहुत मस्ती करता है, आप कहते हो कि मैं चली जाऊंगी या मैं तुमको स्कूल बस में लेने ही नहीं आऊंगी, तो उसको बहुत एंजाइटी होता है जिसको हम सेपरेशनल एंजाइटी कहते हैं, और बच्चा बहुत वियर्ड बिहेव करता है। चौथा नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि हम हमेशा बेबी को डरा रहे हैं या नेगेटिव चीज या ना ना कह रहे, ये मत कर ऐसा हो जाएगा, ये मत कर ऐसा कर जाएगा, तो ये नेगेटिव थॉट्स होता रहेगा। एंड ये जो पेरेंट्स जो बहुत डराते हैं फ्यूचर में, ये बेबीज को एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत इजीली होने के चांसेस हैं। तो पेरेंट्स प्लीज मेरे बेबी को डराओ नहीं।